काजू बादाम 500 रुपए भैया अलग अलग भाई। ये मार्केट में जैसे जैसे अंदर जाते रहोगे ना, ठीक है अपनी बढ़िया बढ़िया पतंग देखो, और हम ज्यादा जगह जाएंगे नहीं, करेंगे बेच के घर के बाहर लगाएंगे, हाट पे लगाएंगे। तो कोई भी मेरा भाई ब्लॉग देख रहा होगा तिरंगे वाली पतंग मत ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई सबसे पहले एक खबर दे देता हूँ आपको, अगर कोई भी इस टाइम जा रहा हो, मतलब कि 10-11 तारीख के बाद कोई जा रहा हो, तो मैटर पे भाई ब्लॉग बनाने की गलती मत करना है, कोई वीडियो वीडियो बनाने की, क्योंकि अभी मैंने पहले क्लिप बनाई थी तो वो डिलीट करवा दी गई थी। तो ये थोड़ी सलाह जो आपको दे दी गई है, और मेट्रो आ गई है, अपने चलते सीधे कहाँ जा रहे भैया, पतंग लेने? हाँ पतंग लेने चांदनी चौक जा रहे हैं हम भैया, चांदनी चौक जा रहे हैं पतंग लेने, ठीक है। तो चलो बने रहो ब्लॉग के अंदर। तो भाई मेट्रो पे आ गए, 30,000 ही नाम है मेट्रो का। अब यहाँ से 10-5 मिनट की दूरी पे है सदर बाजार। ये बात करते हुए देखो, पता नहीं कौन सा नोट लेकर कवर है, यूक्रेन का नोट, यूक्रेन का, ये वही है, क्या बोलूँ मैं, छोड़। नहीं भैया ठीक है, देख रहे यूक्रेन घूमने वाले की। चलो तो भाई अब देखते क्या सीन बनता है, क्या क्या चीज लेंगे, और सारी चीज दिखा दी जाएगी आपको, बस बने रहो ब्लॉक के अंदर, ठीक है। 30,000 ही से आप बिल्कुल नीचे उतरोगे ना स्टेशन से, तो उतरते के साथ ही थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और फिर जहाँ से स्टार्ट हो जाता है सारा सदर बाजार अपना। चलो गाड़ी वाड़ी कोई देखता क्या ना हो रहा, चलो भाई देखते हैं सदर बाजार का क्या सीन बनता है। और ये जा रहे हैं भाई सदर बाजार की मार्केट देखो, ठीक है। ये मार्केट है यहाँ से स्टार्ट हो रही सारी। और इस पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पतंग का, आप देखते हैं क्या सीन बनता है, ठीक है। ये देख लो कैसे काजू बादाम लेने हो तो डिस्काउंट से मिल ही जाएंगे यहाँ, तो मतलब सस्ते मिलते होंगे। मूंगफली के भाव मिलेंगे, बादाम दो मूंगफली के भाव। मूंगफली का मतलब क्या, साले बदतमीजी कर रहा ब्लॉग में। चलो भाई ठीक है भाई, इतनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत बेतुक चीजें कहते हैं। तो अपना भैया सामान पर्स पर संभाल के रखना है यहाँ पे, यहाँ पे बिस्किट वगैरह बहुत सारे सामान है, ठीक है। ये देखो बिस्किट, कॉफी, ठीक है। ये ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट वाला सामान। हाँ भैया सीधा चलना, सीधा लालपुर मार्केट जाना है पतंग के लिए। भाई पतंग के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है तो लालपुर मार्केट बोल देना, माई आएगी। हॉर्न इतना हो रहा, ब्लॉग नहीं बन पा रहा भाई, बिल्कुल ये समझ लो फ्री का आइटम मिल रहा है, इतनी भीड़ हो रही है, ऐसा लग रहा कहते यहाँ। अबे यहाँ कोई नुकह रहा था ड्राई फ्रूट सस्ते मिलते हैं, ठीक है। अबे 700 रुपए किलो बता रहा, 700 तो मुंगे मिले घर की तरफ पे। और आप स्टेशन एक चौक स्टेशन कहाँ बजरा है भैया, ये इधर देखो सब्जी वाली मंडी है सारी, और यहाँ सारा आगे स्विमिंग पूल है। अब हमें पता नहीं भाई कहाँ जा रहा हूँ भाई, जितनी हाइप यहाँ पे बना रही है ना सदर बाजार की, इतनी हाइप नहीं है यहाँ भाई, बहुत महंगाई है यहाँ सदर बाजार में। हम भाई यार इससे बढ़िया तो अपनी लोकल घंटा घर की मार्केट है गाजियाबाद की, और बढ़िया मिल जाता एक तो। ये वजह काजू बादाम की है वो भी 700 रुपये किलो, इनसे पूछो इनसे दीदी से पूछो कितने रुपये लगेगा बादाम। 500 काजू बादाम 500 रुपये भैया, अलग अलग दुकान पर जाओ अलग अलग रेट मिलेंगे, ठीक है। जाना किसी को पुरानी चप्पल लेनी हो तो ले लेना, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वाले ने छूटे बना दिया हमारा, ठीक है भाई। काजू बादाम का रेट है यहाँ 500 रुपये, और पार्किंग कर लोगे ना भाई अच्छी खासी, 400 भी लग जाएंगे आराम से, ठीक। और तुम्हारा बने रहो ब्लॉक में, बने रहो। और ये अगर किसी को आना है ना लाल पतंग वाले पे, झंडे से राइट हो जाना इधर वाली रोड पे, वहाँ पे सीधे पतंग वतंग की मार्केट है, तो सीधे पतंग वाली मार्केट में मिलते हैं आपको। चलो चलो भाई, ये मार्केट में जैसे जैसे अंदर जाते रहोगे ना, तो वैसे वैसे गर्म क्वालिटी अच्छी बढ़ती चली जाएगी। कभी बाहर के चक्कर में मत जाना, अंदर आओ और अंदर आते जाते रहना भाई। देखो बाहर तो तुम्हें 700 रुपये किलो बताया बादाम, थोड़ा अंदर आया तो 500। काजू बादाम का हिसाब दिया ना, क्या ऐसी लेंगे ये भाई मिले, ये हमें रेट वेट बता रहे हैं। चलो रेट देख लेते पहले, पता करें कितना पड़ेगा, ठीक है भाई। भीड़ भाई साहब, कितनी गंदी भीड़, पूछो मत कितनी गंदी हो रही है यहाँ। देखो ये वाला जोड़ा सुंदर से लग रहे हैं काजू बादाम, 800 रुपये किलो है, 600 रुपये किलो डाइट अभी ले लेना, ठीक है। और भीड़ देख लो कितनी गंदी हो रही है, अगर कोई आ रहा हो ना पता पता लेके तो टाइम निकाल के आइए भाई, भीड़ तगड़ी है यहाँ।
भाई अपना मोबाइल और पर्स भी ध्यान दे देना। फाइनली घुस चुके हैं पतंग वाली मार्केट में, यहाँ पतंग लेने स्टार्ट हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी पतंग मिल रही है। ठीक है, जो ब्लॉग व्लॉग बना रहा हो ना अपने फोन वोन बचा के रखी हो। और भाई पर्स तो बिल्कुल मत लाना यहाँ पे, छूट जाते हैं हमारे सामने एक बंदे। मेरे भी दुख 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 सी हो रही है, बस मैं बना रहा हूँ मैं ब्लॉग। ठीक है, तो इसी उससे ना डेडिकेशन से आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना भाई। इतनी भीड़, इतनी भीड़ बिल्कुल मत आना 15 अगस्त से पहले पतंग। हाँ ये तो है भाई, भीड़ गंदी है, कम से कम 30 दिन पहले ले जाओ जाने, उड़ाने का पर्पज है भाई। भीड़ इतनी हो रही है, आधे तो ब्लॉग नहीं बन पाए। मार्केट बंद है, देखो आज बारिश है, बारिश की है तो संडे, आज आज संडे की है मार्केट बंद है तो ज़्यादा सही है भाई, संडे को आ जाओ बढ़िया रहेगा अपना। और जहाँ से पतंग स्टार्ट होती है बहन जी, एकदम से स्मेल सी नहीं किसकी, यहाँ भाई कबाबों की मार्केट है, यहाँ हुक्के हुक्के सारे, किसी को लेने हो बढ़िया बढ़िया हुक्के यहाँ मिल जाएंगे सस्ते वस्ते। सौंफ हो गई, सुपारी हो गई, तम्बाकू पान वगैरह सब यहीं से जाते भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं, पतंग की मार्केट है सारी। आगे चलने के बाद यहाँ से होगी तुम्हारी पतंग मार्केट स्टार्ट, ये सारी जो है। और बारिश भी आ रही है धीरे धीरे, ये मार्केट स्टार्ट होती है। ठीक है, अपनी बड़ी बड़ी पतंग देखो, और हम ज्यादा जगह जाएंगे नहीं क्योंकि बारिश हो गई। हमने पतंगे ले ली कितनी सारी, ये देखो गाइस, देखो यहाँ पे चल रही है कितनी, 450 चल रही है पतंग, जल्दी चलो जल्दी बारिश हो रही है। ठीक है, तो हमें बैटरी 8 रुपए की एक, और हमारे यहाँ मिलती है 12 रुपए की, तो हमने 4 रुपए पर पतंग बचाए हैं, तो 20 पतंग के लगा लो, कितने बचे करेंगे, बेच के घर के बाहर लगाएंगे, हाट पे लगाएंगे और मंजे मंजे ले गए। ठीक है, तो हमारे घर वाले में पैसे नहीं दे रहे, हम पतंग बेच रहे हैं, पतंग बेच बेच कर दिस इज कॉल्ड बिजनेस ब्रो। चल 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 जल्दी जी। ठीक है, अब भाई यहाँ से थोड़े से वो सीड वगैरह ले लेते हैं और थोड़े बहुत काजू बादाम से, अब से इसको डायरेक्ट चलते घर। ठीक है, ब्लॉग में इतना ही, और ये ब्लॉग में बने रहे, देखो बाकी तुम्हें देख रहे हो तुम, ये मार्केट है पूरा, देखो तो क्या हो रहा है, कीचड़ हो रही है बारिश की वजह से। ठीक है ना, तो हम ज्यादा तुम्हें कुछ दिखा नहीं पाएंगे, बाकी हम चल रहे हैं घर आओ। ठीक है भैया, सीन कुछ ऐसा बनना है, बारिश देख लो कितनी गंदी आ रही है। ठीक है, और ये बददांत दिखाते रहते हैं, इनको भी काम नहीं है, और हम पतंग से बचते हुए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बिंटू भाई मैं चलता हूँ, जुगाड़ है। तो चलो भाई देखते क्या सीन बनता है यार, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, अबे वो बादाम वगैरह ले पाएंगे बारिश में, तो कुछ मत लेना आप इनमें, जो बता रहे हैं सब बेकार चीज है डाइट से, बॉडी वॉडी बढ़िया नहीं होती है, सबसे बढ़िया रजनीगंधा खाओ ऐसे, क्या और बॉडी बनाए रखे ऐसे खाओ, ये बॉडी बच्चे। चलो भाई ठीक है, देखते क्या सीन बनता है, बारिश तो तगड़ी बहुत तेज हो रही है, और गाजियाबाद में बारिश हो ही नहीं रही, दिल्ली में ही हो रही है, पाप ही रहते ना गाजियाबाद में। चलो ठीक है, साइज देखो, स्ट्रगल देखो हमारा भाई, कितना गंदा स्ट्रगल है हमारा, देख लो कितना पानी है, ये डिलीवरी वाले इनका ना लाइसेंस जब्त कर देना चाहिए, पर क्या करे गरीब आदमी है। जो जो ई रिक्शा दिख रहे हैं ना पार्किंग वार्किंग में वैसे खड़े हैं उल्टा सीधे, अच्छा सीधे पकड़ ही रहे हैं। ओहो बताओ, ई रिक्शा वालों को पकड़ रहे हैं वो, सॉरी ई रिक्शा पकड़ रहे हैं, पूरा बताना चाहिए था ना तुम्हें। कोई बात नहीं भैया बता दिया। और ये भाई चावल की मार्केट है, मैं तो मतलब अनाज की, यहाँ सब कुछ मिलता है, चावल गेहूँ कुछ भी ले लो, सरसों बाजरा, ये देखो ये चावलों का कट्टे देखो, ठीक है, बासमती डबल चावी फलाना ढिकाना सारे मिल जाएंगे, दो चावी तीन चावी चार चावी साढ़े चावी मिलेंगे, पतंग ले लो काली लाल पीली सुंदरी गुलाबी कैसी भी। ठीक है, तो गाइस एक बार सुन लो, हम तिरंगे वाली पतंग ले रहे थे मगर हमने ली नहीं, तो कोई भी मेरा भाई ब्लॉग देख रहा होगा तिरंगे वाली पतंग मत लेना, क्योंकि भाई तुम तिरंगे की पतंग लोगे तुम उसमें कन्ने बांधोगे फाड़ दोगे, लेकिन वो हमारा देश का तिरंगा झंडा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए आज तक हमने कभी तिरंगे की पतंग नहीं उड़ाई है, जब भी हमने पतंग उड़ाई है कलरफुल पतंग उड़ाई है। ठीक है ना, ना कभी तिरंगे की उड़ा मैं। हाँ, तो आप ये देखिए ना, कभी रोड वोड में गिर जाए, देखो क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि तिरंगा ले तो लोगे आप शौक से, लेकिन उसका फिर सम्मान भी करना है, उसको ऐसी पैक करके रखना अगले साल के लिए। ठीक है, अगले दिन रोडों पे तिरंगे फेंके रहते हैं बंदे, भाई ले लेते हैं बाइकों पे लगा देते हैं, वो टूट जाते हैं, सब समझते नहीं बात को। जोश भी भाई आजकल के लोगों को ना 2-4 दिन का ही है, जैसे 14-15-16 का हो गया जोश,
15 अगस्त है, देशभक्ति गाने चल रहे, वो चल रहे हर किसी है उसमें, लेकिन तिरंगे का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बने रहे हमारे ब्लॉग करो ना, तो देश के दिल से करो वरना मत करो। 100 बात की एक बात, ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और भाई मैं पहली बार ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ, वो भी इसकी वजह से, ठीक है। वजह से क्या यार, मैं आज पे बैठा नहीं, मतलब ट्रेन में बैठते महंगी चीज में। अब देखो फोर व्हीलर जा रहे कितने बैठ जाएंगे, 2-3 करोड़, लेकिन हम ट्रेन पे बैठ रहे हैं, करोड़ों का बजट, ठीक है। तो भाई मोटी बातचीत नहीं हमारी, पैसा बहुत है हमारे, देखो 25% लेकर आया, अब देखो नहीं दिल्ली से, ये भी नहीं बता रहा था पागल। अच्छा 25 नहीं भाई, तो 50 थी, 25 देख दी तुम गलती से, 25 समझ गए होगे, 50 से पागल। तो चल भाई, और भाई हाँ ये ले लिया हमने बादाम सीड वगैरह जो सस्ते पड़ गए थे, और इसमें थोड़े ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े थोड़े लिए, मतलब आधी आधी किलो के हिसाब से, और क्योंकि अभी माँ बाबा को दिखाएंगे तो जब वो बताएंगे अगर सही है तो ठीक है, खामा का क्यों इतना महंगे पैसे बर्बाद करने, मतलब इतने पैसे बर्बाद क्यों करने और ख़राब वराब आगे सारे। तो और इसी के साथ चलो ब्लॉग को ये एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बने रहना चीकू ब्लॉग्स के अंदर, और चलो मिलते हैं।